Good morning class, this is our new pathology class in which today we will study about the next topic of CNS, that is stroke. देखिए stroke एक CNS का disorder है जो कि almost similar to shock है. स्ट्रोक को अपन डिफाइन करें तो स्ट्रोक इज़ ऑल्सो नोन एज अ सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट और ब्रेन अटैक विच इज़ अ सडन इम्पेयरमेंट ऑफ सेरेब्रल सर्कुलेशन इन वन और मोर ब्लड वेसल्स. भाई क्या है इसको अपन सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट भी कहते हैं, ब्रेन अटैक भी कहते हैं. इसमें हमारे सेरेब्रल सर्कुलेशन में एक या एक से ज़्यादा ब्लड वेसल्स में अचानक इम्पेयरमेंट हो जाता है तो इसको अपन स्ट्रोक कहते हैं. तो देखिए इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिखा हुआ है कि ब्रेन में जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाता है, क्योंकि मैंने कहा ना कि भाई एक या एक ज़्यादा ब्लड वेसल्स के अंदर इम्पेयरमेंट हो गया, तो जैसे इम्पेयरमेंट होएगा ब्लड फ्लो रुक जाएगा. और स्ट्रोक इंटरप्ट्स और डिमिनिश ऑक्सीजन सप्लाई, और ऑक्सीजन सप्लाई भी इसमें डिमिनिश हो जाएगी, ब्रेन के अंदर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी, तो ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन कम हो जाएगी. क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो या आप ये पहले कह दीजिए कि भाई जैसे ही ब्लड सप्लाई बंद होगी ऑक्सीजन रुक जाएगी, ऑक्सीजन रुकते ही सीरियस डैमेज या नेक्रोसिस हो जाएगा ब्रेन के टिश्यूज़ के अंदर. अब जितना जल्दी सर्कुलेशन वापस नॉर्मल होगा स्ट्रोक के बाद उतने ही ज़्यादा बेटर चांस होते हैं कंप्लीट रिकवरी के. लगभग 1/2 पेशेंट्स जो होते हैं वो जो स्ट्रोक से सर्वाइव कर रहे होते हैं वो तो परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाते हैं, या उनमें हर वीक इस तरह के, हर वीक महीने या साल में इस तरह के रिकरेंसी देखने को मिल रही होती है स्ट्रोक की. और या तो उनको हर समय एडमिट रखना पड़ जाता है या लॉन्ग टर्म के केयर की उनको ज़रूरत पड़ जाती है. अब क्लासिफिकेशन तो स्ट्रोक दो तरह का होता है, इस्केमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक. इस्केमिक के ब्लड सप्लाई रुक गई थी और हेमरेजिक के ब्लड सप्लाई हो रही थी, पर हेमरेज हो रहा है यानी लीकेज हो रहा होता है ब्लड का, तब प्रॉपर ब्लड पहुंच नहीं पाता. इस्केमिक स्ट्रोक आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू द थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक एंड एम्बोलिक स्ट्रोक, वाइल हेमरेजिक स्ट्रोक आर क्लासिफाइड इनटू द इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज एंड सब एरेक्नॉइड हेमरेज. ये देखिए थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक जिसमें ऑक्यूलस दिखाई गए, थ्रोम्बस बन गया, ये रुकावट आ गई है, थ्रोम्बाई बन गया. ये एम्बोलिक स्ट्रोक है जिसके अंदर जो एम्बोलस होता है जो एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता है, कोई पार्टिकल किसी और जगह का ब्लॉकेज था और घूमता फिरता यहाँ पर आ गया, ये एम्बोलिक स्ट्रोक है. और नीचे सेरेब्रल हेमरेज हुआ हुआ दिखाया गया, ब्लड वेसल रप्चर हो गई और ब्लड लीक हो रहा है. तो ये तीन तरह के स्ट्रोक बताए गए हैं. अब स्ट्रोक के सिम्टम्स क्या हैं, पेशेंट को ये प्रॉब्लम्स हो रही होती है कि वो मूवमेंट नहीं कर पाता, कम्युनिकेशन नहीं कर पाता, साइट में प्रॉब्लम आ रही होती है. इसके अलावा सूनापन आ जाएगा बॉडी पार्ट्स में, नंबनेस और पैरालिसिस और सरदर्द रहने लगता है. ये यहाँ पर ब्रेन के पार्ट और उनके फंक्शन बताए गए हैं भाई. वॉल्यूंट्री मूवमेंट और सेंसेशन यहाँ फ्रंटल पैरेटल पार्ट से, इस फ्रंटल के इधर से इमोशंस कंट्रोल हो रहे होते हैं, पैरेटल से वॉल्यूंट्री और सेंसेशन, हियरिंग यहाँ इस जंक्शन से, ऑक्सीपिटल से साइट का, और सेरेबैलम से बैलेंस कोऑर्डिनेशन हो रहा होता है टेम्पोरल वाली हियरिंग वाली साइट का. तो कौन कौन सी जगह यहाँ पर, जहाँ पर भी इसका असर पड़ रहा होगा वो साइन सिम्टम आपको दिखाई देंगे. डायग्नोस कैसे कर सकते हैं भाई अपन इसको, फिज़िकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं सबसे पहला, जिसके अंदर अपन डेमोग्राफिक डेटा, वाइटल साइंस, हिस्ट्री ले सकते हो, मोटर जो एक्टिविटीज़ हैं उनको असेस कर सकते हो, सेंसरी एक्टिविटीज़ को असेस कर सकते हो, और क्रेनियल असेसमेंट आप कर सकते हैं. तो पहला तो था कि अपने को फिज़िकल एग्जामिनेशन करना है. दूसरा लैब और रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हो, जिसमें ब्लड टेस्ट, ब्रेन इमेजिंग टेस्ट, MRI वगैरह जो करते हैं अपन, हार्ट और ब्लड वेसल्स के टेस्ट कर सकते हो, लेग का अल्ट्रासाउंड कर सकते हो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करके देख सकते हो, ट्रांसक्रेनियल डॉपलर सोनोग्राफी TCD जो है वो की जा सकती है.
अब जो ब्लड टेस्ट है उसमें अपन देखेंगे तो कोलेस्ट्रॉल लेवल, शुगर लेवल, ब्लड क्लॉटिंग टाइम सब बढ़े हुए दिखाई देंगे। ब्रेन इमेजिंग में सीटी स्कैन के अंदर आपको ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग दिखाई देगी, यानी हेमरेजिक स्ट्रोक का पता चल जाएगा। MRI से कोई ब्रेन टिश्यू डैमेज हुआ हुआ है वो पता चल जाएगा। MRA मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी के अंदर ब्लड वेसल अगर नैरो हुई हुई है तो आप देख सकते हो। हार्ट और ब्लड वेसल टेस्ट के अंदर कैरोटिड अल्ट्रासोनोग्राफी करते हो, जिसमें आर्टरीज के अंदर क्लॉटिंग हुई हुई दिखाई देगी, जो कि आगे बढ़ती हुई ब्रेन तक प्रॉब्लम कर देती हैं। कैथेटर एंजियोग्राफी में आर्टेरियोग्राफी आप करके देख सकते हो। ये सीटी स्कैन की इमेजिंग दिखाई दे रही है। ये इंट्रा सर्बल हैमरेज देखिए भाई, नॉर्मल तो ऐसा ब्रेन दिख रहा है, हैमरेज होगा तो ये बीच में ऐसे वाइट वाइट जो एरिया दिखाया हुआ है उसमें पता चल रहा है कि ये हैमरेज हो रहा है। ये कैरोटिड अल्ट्रासाउंड नैरो और नैरोइंग दोनों कंडीशन बताई गई है भाई, कैरोटिड आर्टरी को देख रहे हो। ये लेग का अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है, उसका रिजल्ट दिखाया गया है। ब्लड फ्लो आर्टरी में जो हो रहा है वो बताया गया, रेड में तो ब्लड फ्लो आर्टरी वाला दिखाया गया और येलो के अंदर ब्लड फ्लो जो वेन में हो रहा है वो दिखाया गया है। दोनों डायग्राम को देखो, इस येलो वाले के अंदर, नेक्स्ट डायग्राम में येलो वाले के अंदर कोई ब्लड फ्लो हो ही नहीं रहा वेन के अंदर, यानी क्लॉट बन गया, ये चीज़ हमें क्लियरली पता चल रही है। ये ECG करवा करके आप देख सकते हो। पी वेव जो है, एट्रिया का एक्टिवेशन हो रहा है, वेंटिकल का एक्टिवेशन और रिकवरी वेव दिखाई दे रही है तीसरे वाले डायग्राम के अंदर। तो एरिया का एक्टिवेशन देखो, ये ऊपर से रेड का बताया गया है ना पी वेव का, और QRS जो है वो कॉम्प्लेक्स दिखाई गई, इसमें वेंट्रिकल की एक्टिवेशन दिखाई, और टी वेव जो है वो रिकवरी वेव आपको बताई गई है। नॉर्मल हार्ट बीट है, फास्ट हार्ट बीट हो जाती है तो देखिए कैसी होती है, वो आप देखिए डायग्राम में साफ पता चलेगा, आप इससे ECG देखना सीखेंगे। स्लो हार्ट बीट है तो आप देखिए स्लो में कैसा गैप आ रहा है, और इरेग्युलर हार्ट बीट है तब भी आप डायग्राम से आप पहचान सकते हो। प्रिवेंशन पढ़ेंगे, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको चीज़ें और बता दूं। ईटियोपैथोजेनेसिस बता दूं कि स्ट्रोक टिपिकली जो है वो एक या वो जो तीन कॉज मैं बताने वाला उनमें से किसी एक कॉज होएगा, जैसे थ्रोम्बोसिस है, एम्बोलिसम से या हैमरेज से, उसी के बेसिस पर आपने टाइम बताया। थ्रोम्बोसिस कोरोनरी आर्टरी जो ब्रेन को सप्लाई कर रही होती है, या इंट्राक्रेनियल वेसल में कोई ऑक्लूजन आ जाए उससे हो सकता है। एम्बोलिज्म थ्रोम्बस जो ब्रेन के बाहर बना था हार्ट, एओर्टा या कैरोटिड आर्टरी में, वो बहता हुआ ब्रेन तक आ गया। और हैमरेज इंट्राक्रेनियल आर्टरिया वेन में होने से हो जाता है, हाइपरटेंशन से, एन्यूरिज्म के रप्चर होने से, आर्टरियो वीनस मालफॉर्मेशन से, ट्रॉमा से, हैमरेजिक डिसऑर्डर वगैरह से। अब कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, यानी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स है स्ट्रोक के, जैसे हाइपरटेंशन, फैमिली हिस्ट्री या ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक की हिस्ट्री, कार्डियक डिजीज़ की हिस्ट्री जिसमें एरिथमिया, कोरोनरी आर्टरी की डिजीज़ हो जाती है, एक्यूट MI हो जाता है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की वजह से या वेल्व्यूलर डिजीज़ की वजह से, डायबिटीज़ इसका कारण होता है, फैमिलियल हाइपरलिपिडीमिया हो जाता है, सिगरेट स्मोकिंग से भी ये देखने को मिल रहा होता है, अल्कोहल इनटेक जो बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, ओबेस्ड पर्सन होते हैं या सिडेंटरी लाइफस्टाइल होती है, ध्यान नहीं देते हैं खाने पीने उठने पर, फिजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह पर उनके अंदर, या जो बहुत ज़्यादा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ करते हैं उनमें भी स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। कार्डियक चांसेस जो है वो भी बहुत सारे हो रहे होते हैं, जिसको अपन देख सकते हैं। अब प्रिवेंशन के कैसे अपन स्ट्रोक को रोक सकते हैं, तो सबसे पहला डाइट, लो फैट और हाई फाइबर की डाइट लेनी चाहिए, स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए, अल्कोहल इनटेक पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, डायबिटीज़ को कंट्रोल करना ज़रूरी है, हेल्दी वेट रखिए, अपना मेंटेन रखिए हेल्दी वेट को, ना बहुत मोटा ना बहुत पतला, एक्सरसाइज रेगुलर करनी है, और किसी भी तरीके नुकसानदायक जो ड्रग्स हैं उनको हमें अवॉइड करना है। अब अगर स्ट्रोक का कॉम्प्लिकेशंस हो जाए तो डिसफेजिया हो जाता है, हाइड्रोसिफेलस हो जाता है, और DVT हो जाता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डिसफेजिया में स्वेलोइंग इंटरप्ट हो जाती है, निगलने में दिक्कत आती है, उसको डिसफेजिया कहते हैं। अगर आप निगल नहीं पाते, खाना नहीं खा पाते, पानी नहीं पी पाते तो स्वेलोइंग इंटरप्ट हो जाएगी, रेस्पिरेटरी ट्रैक में छोटे छोटे पार्टिकल सेंटर हो जाते हैं, तो फीडिंग ट्यूब के थ्रू आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं।
फीडिंग ट्यूब को प्रिवेंट करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है इसके अंदर। हाइड्रोसेफेलस क्या होता है भाई, पानी भर जाना दिमाग में, आम भाषा में बोलें तो। इसमें क्या होता है, ब्रेन कैविटीज़ में बहुत ज़्यादा CSF का अमाउंट हो जाता है, यानी CSF भर जाता है। हेमरेजिक स्ट्रोक जो है वो CSF ड्रेनिंग को स्टॉप कर देता है, जिससे कि वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। इसको प्रिवेंशन के लिए प्लेसिंग ट्यूब इनटू ब्रेन, ब्रेन में प्लेसिंग ट्यूब रखिए। DVT के लिए स्लो ब्लड फ्लो होता है वेन्स के अंदर, जिससे कि BP बढ़ जाता है, लेग में ब्लड क्लॉट हो जाता है। कैसे रोक सकते हो, एंटी क्लॉटिंग मेडिसिन से और कंप्रेशन स्टॉकिंग से हम इसको ठीक कर सकते हैं। ये कॉन्क्लूजन है भाई, स्ट्रोक सडन डेथ है ब्रेन सेल्स की ऑक्सीजन की कमी की वजह से। इसमें ब्लड फ्लो में ब्लॉकेज आ जाता है, ब्रेन की आर्टरी रप्चर हो सकती हैं, सिम्टम्स में वीकनेस हो जाएगी, पैरालिसिस हो सकता है बॉडी के एक साइड का, और बैलेंस बनाने में डिफ़िकल्टी आती है, बोलने में, स्वेलोइंग में, सब में डिफ़िकल्टी आएगी। क्लॉट बस्टिंग ड्रग्स जैसे कि TPA वगैरह जो है वो रिवर्स स्ट्रोक को रिवर्स करने के लिए काम में लेते हैं। प्रिवेंशन के लिए आप जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको मिनिमाइज्ड कर दीजिए, जैसे हाई BP को कंट्रोल करिए, हाई कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करिए, डायबिटीज़ को कंट्रोल करिए, तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। अब मैं आपको एक पॉइंट बताऊँ कि मैंने यहाँ पर बोला है कि पैरालिसिस हो जाता है वन साइड का, तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि क्लिनिकल फीचर्स ऑफ स्ट्रोक वेरी अकॉर्डिंग टू द अफेक्टेड आर्टरी एंड द रीजन ऑफ द ब्रेन इट सप्लाइज द सीवियरिटी ऑफ द डैमेज एंड द एक्सटेंट ऑफ कोलेटरल सर्कुलेशन डेवलप्ड। भाई ब्रेन के किस पार्ट में या कौन सी आर्टरी इससे अफेक्ट हो रही है उस पर डिपेंड करेगा क्या सिम्टम दिखाई दे रहे हैं। इफ़ अ स्ट्रोक इन वन हेमिस्फीयर कॉजेज साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, भाई आपके सेरेब्रल हेमिस्फीयर के जिस साइड स्ट्रोक हो रहा है आपके बॉडी के उसके अपोजिट साइड में जो है वो सिम्टम दिखाई देंगे। मतलब अगर राइट साइड ब्रेन के राइट हेमिस्फीयर के अंदर अगर स्ट्रोक हुआ है तो पैरालिसिस और वीकनेस जो लेफ्ट बॉडी साइड में दिखाई देगा, और अगर लेफ्ट हेमरेज हेमिस्फीयर में हुआ है तो राइट बॉडी पार्ट जो है वो अफेक्टेड होएगा, यानी अपोजिट साइड बॉडी की जो है उसमें सिम्टम साइंस जो है वो दिखाई देंगे। अ स्ट्रोक दैट डैमेज क्रेनियल नर्व्स अफेक्ट्स द स्ट्रक्चर ऑन द सेम साइड ऑफ द इन्फार्क्शन, पर अगर क्रेनियल नर्व में कोई डैमेज हुआ है स्ट्रोक के दौरान तो फिर सेम साइड में ही आपको इफेक्ट दिखाई देंगे। ये पॉइंट आप नोट करके लिखिए कि अगर राइट हेमिस्फीयर में हुआ है तो राइट साइड ही साइन सिम्टम आपको दिखाई देंगे, ठीक है। बाकी साइन सिम्टम्स जो है वो तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या साइन सिम्टम्स थे। इसके अलावा देखिए आप जो है हमारा स्ट्रोक लगभग कंप्लीट हो चुका है, पर मैं क्लास ख़त्म होने से पहले एक ना आपको इटियोपैथोजेनेसिस जो है वो बोल करके बता देती हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा स्ट्रोक की इटियोपैथोजेनेसिस। देखो एरो एरो बना करके आपको लिखना है, मतलब फ्लो चार्ट की फॉर्म में आप इटियोपैथोजेनेसिस लिखेंगे तो आप नोट करिए। सबसे पहले थ्रोम्बस बनेगा, थ्रोम्बस फॉर्म एरो, कैटेड आर्टरी और इंट्रा सेरेब्रल वेसल्स एरो, ऑब्स्ट्रक्ट ब्लड फ्लोज टू द ब्रेन एरो, deprives brain cells of oxygen and nutrients arrow, causes cerebral ischemia arrow, leads to death of brain cells arrow, causes cerebral infarction arrow, triggers inflammatory response arrow, increases ICP that is intracranial pressure arrow, results in continued cellular injury and disruption of metabolism। मतलब समझा देती हूँ भाई, थ्रोम्बस बना आपकी कैटेड आर्टरी या इंट्रा सेरेब्रल वेसल के अंदर, जिससे कि ब्रेन तक ब्लड फ्लो रुक चुका है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स भी ब्रेन सेल्स को नहीं मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं, सेरेब्रल इश्चीमिया हो जाता है जिससे कि ब्रेन सेल की डेथ होने लग जाएगी, सेरेब्रल इन्फॉक्शन हो जाएगा ब्रेन सेल डेथ से, और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शुरू हो जाएंगे जिससे कि इन्फ्लामेशन से इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा, और इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि सेल्युलर इंजरी लगातार होती रहेगी ब्रेन में और मेटाबॉलिज्म भी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ये स्ट्रोक की इटियोपैथोजेनेसिस है। इसके साथ ही अपना ये टॉपिक हम आज यहाँ ख़त्म करते हैं। आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू क्लास, थैंक यू।